नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस हफ्ते देश के कई हिस्से में तापमान नियंत्रण में है, मगर हम और आप हर साल लगातार बढ़ते तापमान के प्रति सामान्य होते जा रहे हैं। देश के दूर दराज के इलाके से लू के कारण होने वाली मौत और आगजनी की घटनाओं से हमें अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंकड़ों को देखिए तो पिछले साल लू के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राजनीति में तो वैसे ही हर वक्त लू चलती रहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर जब गुलरेज शाह अजहर का लू पर लेख दिखा तो लगा कि इस पर बात करने में कोई नुकसान नहीं है। यही सोच रहा था कि लू से मरने वाले भारतीय भाषाओं के ज्यादा लोग होंगे, मगर अंग्रेजी में किन किन पहलुओं को लेकर शोध हो रहे हैं, हिंदी में कुछ सुनाई ही नहीं देता। कई बार लगता है कि पूरा हिंदी प्रदेश मूल काम छोड़कर गप हांकने में लगा है, जिसमें आज का मीडिया जितना गप्पी तो कोई भी नहीं। भारत ही नहीं, दुनिया लू से परेशान है। अभी तक 17 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किए गए हैं, इनमें से 16 सबसे गर्म साल सन 2000 बाद के हैं, यानी 2000 के बाद से लेकर 2017 के बीच हर साल अब तक का सबसे गर्म साल होकर गुजरा है। 2003 में यूरोप में लू से 70,000 लोग मारे गए और 2010 में रूस में 56,000 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक मौत लू से होती है। मुझे तो इन आंकड़ों पर यकीन नहीं हुआ कि एक साल में 56,000 और 70,000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये आंकड़े हैं। भारत में जब हम सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाख से अधिक लोगों के मारे जाने से विचलित नहीं होते, तो 2015 में लू के कारण 2,330 लोगों की मौत की संख्या किसी को भी सामान्य लग सकती है। 2016 में 1,000 लोगों की मौत हो गई। गुलरेश साहब ने लिखा है कि लू के दौरान होने वाली बहुत सी मौत को अन्य कारणों में डाल दिया जाता है, इसलिए सही आंकड़ों का पता नहीं। भारत में आप जब भी किसी विषय से संबंधित आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़ेंगे कि ये सही आंकड़े नहीं है या और भी सही हो सकते थे। भू विज्ञान मंत्रालय, जिसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मंत्री हैं। पीटीआई ने इसके हवाले से 23 अप्रैल को एक रिपोर्ट छापी कि भारत में पिछले 4 साल में लू से 4,620 लोगों की मौत हुई है। कितनी बड़ी संख्या है ये। इनमें से 4,246 लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं। सोचिए उन दो राज्यों में कितने लोगों की मौत हो जाती है। जब तापमान सामान्य से 4 या 5 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे हम हीट वेव या हिंदी में लू कहते हैं। अगर 6 डिग्री तक अधिक हो तो इसे अंग्रेजी में सीवियर हीट वेव या हिंदी में भयंकर लू कह सकते हैं। पिछले साल महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई गई, जिससे लू से मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी भी आई। इस संदर्भ में अहमदाबाद मॉडल का जिक्र होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मार्च के कुछ शहरों के तापमान पर नजर डालें तो महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा, फिलहाल 40 डिग्री है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर और चूरू में 43 डिग्री के पार चला गया, अभी वहां 36 डिग्री है। राजस्थान में तापमान 44.4 डिग्री तक गया और मार्च में 1946 का रिकॉर्ड टूट गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गुजरात का भी यही हाल रहा। लू से बचने में सरकार और मीडिया की भी भूमिका है। वैसे लू से बचने के उपाय तो छपते ही रहते हैं अखबारों में, फिर भी यह कारगर नहीं है। अब तो सरकारें मौसमों को लेकर संवेदनशील होने लगी हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो स्कूल तुरंत बंद भी कर दिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में गुलरेज ने लिखा है कि भारत में आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, आधे से ज्यादा लड़कियों में खून की कमी है, 58% जनसंख्या 200 रुपए से भी कम कमाती है, 53% घरों में पीने का पानी नहीं है, आधे लोगों के पास टॉयलेट नहीं है और सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जहां 24 घंटे पानी की सप्लाई होती है। 25 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया में ही मिनिती सिंगा ने उड़ीसा पर एक रिपोर्ट लगाई है। 25 को ही टिटलागढ़ में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उस दिन बुलंगीर जिले का यह इलाका टिटलागढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थल बन गया। कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा। राज्य में अभी तक लू से मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। 25 अप्रैल को राज्य में 17 जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं। मसलन 11:30 बजे के बाद से मजदूरों को धूप में काम नहीं करना है। 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक दोपहर दिन के वक्त बसें नहीं चलेंगी। अहमदाबाद मॉडल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, इसके निदेशक दिलीप मावलंकर हमारे साथ होंगे। हम इस संस्था की भूमिका के बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे गुलरेज शाह अजहर के काम के बारे में भी बात करेंगे।
गुलरेज लॉस एंजलिस से हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगे और आप पार्डी राइंड ग्रेजुएट स्कूल में असिस्टेंट पॉलिसी रिसर्चर हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज। हम आपसे पहला ये जानना चाहते हैं कि आपका ही लेख पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आया कि इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जब भी लू चलती है या तापमान बहुत ज़्यादा होता है, खासकर हम और अब तो सब चैनलों पर मौसम समाचार है, हम तो विशेष रूप से उसको कवर करते हैं, फिर भी पढ़ के लगा कि हमारे कवर करने के तरीके में शायद कुछ कमी ज़रूर होगी, तो आपसे बात करनी चाहिए। क्या आपको अब तक तो लू से मरने वाली खबरों को हम सामान्य रूप से ही लेते रहे कि 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, इससे ज़्यादा बढ़कर हमने देखा नहीं। आप क्या ज़्यादा बता सकते हैं अपने रिसर्च जो आपने की है वो क्या है, क्यों की है रिसर्च, ताकि दर्शकों को भी बात करने के लिए कुछ नया मुद्दा मिले। धन्यवाद रविश जी मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे। लू से हम लोग इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं वो काफी कम है कंपेयर टू जो बड़े विदेशों में मामला चल रहा है, जैसे फ्रांस में जो हीट वेव आई थी, जबकि अच्छा खासा ठंडा देश है वो, वहां पे उसमें यूरोप में पूरे 70,000 लोग मरे थे, 2003 की बात है। 2010 में रशिया में, जहां आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि बर्फ पड़ती है, वहां पे 56,000 लोग मरे थे। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और जैसे हम लोग इंडिया को देखते हैं तो हमारा देश काफी गर्म एरिया में है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है उस हीट से, गर्मी से, कमजोरी से। तो हमारे यहाँ हमें शक है और हमें डर है कि जो डेथ्स हैं वो काफी ज्यादा होंगी। इस चीज को जांचने के लिए हमने अहमदाबाद में डेथ सर्टिफिकेट्स काउंट किए थे। 2010 में हीट वेव आई थी, 22 मई 2010 में, तब हमने डेथ सर्टिफिकेट्स काउंट किए थे। तो जो अखबार में रिपोर्ट्स आ रही थी 50 और 100 डेथ्स की, तो जब हमने काउंट किया था तो हमने पाया था कि ये एक्सेस 1346 एक्सेस डेथ्स उसी पीरियड में हुई थी। मतलब और उसकी वजह अहमदाबाद में लोग मरे थे उस साल, आप ये कह रहे हैं? ये 2010 की हीट वेव की बात है। मीडिया में छप रहा था कि 50 या 60 लोग मरे हैं जी, बिकॉज जिस तरह से हीट की डेथ हम रिकॉर्ड करते हैं, जो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ होता है सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, वो काफी कम होता है। जो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ जो डेथ सर्टिफिकेट पे आता है वो नॉर्मल डेथ होती है, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट या रीनल फेलियर। तो इस वजह से जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो डेथ्स मेजर करते हैं वो हमेशा एक्सेस डेथ्स देखते हैं। तो उस तरीके से आप देखें तो काफी ज्यादा डेथ्स होती हैं। ये एयर पोल्यूशन डेथ्स के जैसा होता है, जैसे एयर पोल्यूशन की डेथ्स होती हैं तो कॉज ऑफ डेथ डेथ सर्टिफिकेट पे नॉर्मल डेथ्स आता है, जबकि एयर पोल्यूशन इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ नहीं होता। इवन दो गुलरेज साहब, आपने उस साल अहमदाबाद के कितने डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र को देखा होगा ये जांचने के लिए कि इनमें से हीट वेव या लू से मरने वालों की संख्या कितनी है? तो ये डेटा जो वहां के वाइटल स्टैटिस्टिक्स ही डेटा है, तो उसको देख के ही अंदाजा होगा कि वो पिछले सालों के मुकाबले उस हीट वेव पीरियड में एक्सेस डेथ्स हुई थी। और ये हम लोग पाते हैं सब जगह जहां कहीं हीट वेव्स होती हैं, बिकॉज हीट वेव की डेथ्स विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है, कंपेयर टू सुनामी या अर्थक्वेक की वो डेथ्स सामने दिखते हैं लोग आपको। हीट वेव से जो लोग मरते हैं, जबकि अमरीका जैसे देश में सबसे ज्यादा लोग हीट वेव से मरते हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर नेचुरल कॉजेज कंबाइंड, लेकिन ये डेथ चूंकि विजिबल नहीं, घर में बुढ़े गरीब आदमी, सड़क पे बीमार लोग, वो अपने घर में उनकी डेथ हो जाती है। और जो कॉज ऑफ डेथ अगेन वो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट या नॉर्मल डेथ्स होती है। तो जब आप पीछे जाके स्टेटिस्टिक्स या डेटा देखते हैं तो आप पाते हैं कि वो एक्चुअल डेथ्स नंबर्स में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू, बट वो इन द सेंस जिस तरह की वो डेथ्स हैं वो बहुत दिखती नहीं है, विजिबल डेथ्स नहीं होती। ठीक है, मुझे भी दिलचस्पी हो रही है आपके इस बात को जानने में कि जब जो आप कह रहे हैं कि आप पीछे जाकर देखते थे तो किस तरह का डेटा, कहां से डेटा लेकर देखते थे, और हम पत्रकारों को या मीडिया को जो जिलाधिकारी बताते हैं या राज्य सरकारें बताती हैं कि 20 लोग मरे हैं या 4 लोग मरे हैं, एजेंसी की खबरें से आती हैं, तो इसके बारे में भी कुछ गड़बड़ियां आपको नजर आई हैं क्या? कि तब तो हो सकता है कि जब हम हीट वेव से होने वाली मौत को रिपोर्ट करते हैं तो हमें वो तरीका और सलीका ही नहीं मालूम है कि सही संख्या कैसे रिपोर्ट की जाए। नहीं देखिए, इसमें जो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ्स हैं और जो इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ्स हैं ये अलग अलग है। तो हम जो आपसे बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ्स हैं। फर्स्ट कीजिए, कोई इंसान एल्डरली है, बीमार है या सिक है और हीट वेव हो जाती है, तो उसके बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उस एडिशनल जो स्ट्रेस उसको मिल रहा है गर्मी का, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इस पीरियड में मतलब डेथ हो सकती है व्यक्ति की, बट जो कॉज ऑफ डेथ होगा वो बजाय हीट वेव या सन स्ट्रोक के वो नॉर्मली नॉर्मल डेथ हो जाएगी, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह वाली डेथ। तो वो हीट वेव्स में ज्यादातर लोग जो मरते हैं वो
इनडायरेक्ट डेथ्स की वजह से उनकी डेथ होती है। तो ये और जो हम लोग जो रिपोर्ट करते हैं जो इमीडिएट जो है यानी कि सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक, ये डेथ सर्टिफिकेट भी इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ लिख के आता है हीट वेव्स पे। तो ये एक रहता है हीट वेव डेथ्स को एनालाइज करने में बिटवीन अलग अलग जगहों पे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक उदाहरण लें, हर जगह का जनरलाइज नहीं कर सकते, तो ये मरने वालों की संख्या जो 100 या 1000 बताई जाती है उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो फिर ये जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो सरकार की रिपोर्ट है कि वहाँ 4000 से ज़्यादा लोग एक साल हीट वेव से मरे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ ठीक से रिपोर्टिंग हुई होगी इनके कारणों की या मरने वालों की गिनती ठीक से हुई होगी। जी जी और यही डेटा के ऊपर है कि अगर पिछले सालों की डेथ की डेटा और जो टेम्परेचर और तापमान की डेटा है, और तापमान ही नहीं साथ में ह्यूमिडिटी या नमी जो होती है ये, और उस गर्मी को मैक्सिमम टेम्परेचर से अभी 40 डिग्री चल रहा है दिल्ली में, तो ये काफी बढ़ा देती है। साथ साथ अर्बन शहरों में जो बीच शहर में कंक्रीट और की वजह से और पेड़ों की कमी की वजह से एक चीज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बन जाता है, ये तो क्या उस है? गर्मी की वजह से शहर के बीच में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकती है कंपेयर टू जो उसके सराउंडिंग एरियाज में जो टेम्परेचर रहेगा उसकी वजह से। अच्छा, तो ये कंक्रीट का जी, अब हमारे हरियाली साथ का प्रोफेसर दिलीप मावलंकर साहब भी हैं। दिलीप जी नमस्कार, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि गुलरे साहब का जब लेख पढ़ रहा था तो नमस्कार। एक अहमदाबाद मॉडल का जिक्र आया, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये मॉडल क्या है, क्यों बना, और अब इस मॉडल के तहत जो भी आप बचाने के जो उपाय हैं उनके साथ ये भी बताइए कि जो लू से होने वाली जो मौत है उसकी रिपोर्टिंग क्या सही तरीके से हो रही है, हम सही सही संख्या जानते हैं या कम ही बताते हैं कि 10-20 लोग मरे जबकि मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। नमस्कार। जो अहमदाबाद मॉडल डेवलप हुआ उसका एक कारण यह था कि अहमदाबाद में 2010 के साल में काफ़ी गर्मी पड़ी, टेम्परेचर 47 डिग्रीज तक गया, और उसका साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी ये लगा कि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ कुछ लोग मर भी रहे हैं। तो उसका हमने उनके साथ मिलके विश्लेषण किया, दो तीन संस्थाओं ने मिलने के विश्लेषण किया, और उसमें दिखाई दिया कि अहमदाबाद में रोज करीबन औसत 100 लोग मरते हैं सब कारणों से। जब वो गर्मी का पारा बढ़ा 21 मई 2010 को, तो 100 की जगह अहमदाबाद में 300 मृत्यु रजिस्टर हुए, और उसके बाद के एक हफ्ता में सब मिलके करीबन 800 ज्यादा मृत्यु रजिस्टर हुए, जितने औसत अहमदाबाद में होने चाहिए थे उस सीजन में, उस महीने में। पिछले 5 साल की आप एवरेज निकालें, मई 19 से मई 27 तक, तो उसके पर से हमें पता चला कि ये गर्मी का जो एक लहर आई उसमें इतने ज्यादा मृत्यु हुए। अभी उसमें मृत्यु के लक्षण जो थे वो थोड़े ऐसे होते हैं कि जो गर्मी में काम कर रहे हैं, कोई आदमी है उसको लू लगती है तो उससे मृत्यु होते हैं, पर बाकी गुलरेज साहब ने बताया वैसे जो बूढ़े हैं जिसको कोई दूसरी बीमारी है, जिसका हार्ट वीक हो गया है, लंग वीक हो गए हैं, गुर्दा की कोई बीमारी है, वैसे लोग भी गर्मी से परेशान होके 1-2 दिन में मर जाते हैं उसके बाद। तो उसके कारण ये पूरा हीट एक्शन प्लान बनाने का हमने प्लान किया, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ रह के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ रह के ये प्लान बनाया। ये प्लान मैं आपको दिखाता हूं, ये एक प्लान हमने एक लिखित में बनाया था, और उसको पूरे शहर में उसकी चर्चा हुई म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के साथ, और हर एक डिपार्टमेंट ने गर्मी के सीजन में कैसे पहले से तैयारी करनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट उसका नोडल डिपार्टमेंट था, तो हॉस्पिटलों को तैयार किया, डॉक्टरों को थोड़ी ट्रेनिंग दी, नर्सों को तैयार किया कि गर्मी के पेशेंट में, गर्मी के मौसम में उनको कैसे सही से बचाया जा सकता है। दूसरा, हमने गर्मी का प्रेडिक्शन उसके साथ निकालने का शुरू किया। अभी IMD इंडिया मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट जो वेधशाला का डिपार्टमेंट है, वो पूरे देश में 100 जगह से 300 शहरों में अलग अलग गर्मी कितनी होगी अगले दिनों में वो डिक्लेयर करती है, और उसे हिसाब से हमने गर्मी के और मृत्यु के आंकड़े देख के एक अलग अलग कट ऑफ डिक्लेयर किए।
कि 43 डिग्रीज के ऊपर जब जाएगा तब ऑरेंज अलर्ट घोषित करेंगे और 45 डिग्री के ऊपर जब तापमान जाने का होगा तब रेड अलर्ट डिक्लेयर करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में भी उसकी काफी चर्चा हुई, मीडिया ने भी उसको दिखाया कि अभी गर्मी बढ़ने वाली है और लोगों ने क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। तो उसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पानी ज्यादा पियो, बाहर मत जाओ, बाहर जाना पड़े तो पानी साथ लेके जाओ, सर ढक के आप जाओ, काम अगर गर्मी में करना पड़े तो बीच बीच में एक एक घंटे में आराम लो। मावलंकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपने ये रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया तो क्या ये सिर्फ अखबारों तक के जरिए ही लोगों तक पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अखबार और टीवी की दुनिया से भी दूर रहते हैं, हो सकता है उनके घर अखबार आया हो लेकिन उन्होंने देखा ना हो, या जो मजदूर है वो बिना अखबार देखे चला गया, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचाई गई सूचना? और इस तरह के अलर्ट जारी करने से जब तापमान 43 डिग्री पहुंचा होगा 2010 से लेकर 17 के बीच में, तो क्या आपने देखा कि मरने वालों की संख्या कम हुई जो 21 मई 2010 को काफी बढ़ गई थी? हाँ हाँ, आपकी बात ठीक है, बट अहमदाबाद शहर है इसलिए माध्यमों का रीच काफी ज्यादा है, लोग न्यूज़पेपर वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, टीवी रेडियो में भी उसकी चर्चा होती है, लोग चाय की दुकान पे बैठ के भी चर्चा करते हैं। ये भी सही है कि सब जगह हम नहीं पहुंच पाए, बट हमने दूसरा भी एक ये किया कि जो एनजीओज हैं जो लोगों के बीच में काम करते हैं, मजदूरों का जो संगठन है, बाकी के जो स्लम्स में काम करने के एनजीओ हैं, उनके जो लीडर्स थे उनके साथ भी चर्चाएं, उनकी मीटिंगें की, उनके साथ चर्चा की कि ये आपको माहिती मिलेगी, आप उसे पढ़िए और आपके विस्तार में उसकी खबर दीजिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी एक लिंक वर्कर करके एक स्कीम है, उसमें हजारों ऐसे पार्ट टाइम, जैसे रूरल एरिया में आशा होती है वैसे अर्बन एरिया में है, उनके माध्यम से भी माहिती हमने स्लम्स में झुग्गी झोपड़ी में पहचाने का प्रयत्न किया। आपने जो प्रश्न पूछा कि उसके बाद में 2015 में गर्मी के मौसम बहुत तेज था और 2016 में तो उससे भी ज्यादा तेज, 2010 से भी ज्यादा गर्मी पड़ी, बट हमने जो आंकड़े देखे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेथ रजिस्ट्रेशन में, उसमें ये देखने को मिला कि जो पीक हीट डे है, कि जहां गर्मी की लहर एकदम ज्यादा पारा बढ़ गया है, उसमें करीबन 30-40% मृत्यु 2010 के कंपैरिजन में कम हुए हैं अहमदाबाद में। शानदार, मतलब ये आपने लोगों को मालूम ही होगा लेकिन ये एक सामान्य उपलब्धि तो नहीं कही जा सकती है। गुलरेज साहब, मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहता हूं कि इस तरह के मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में अपनाया जाए तो क्या कुछ रास्ता निकल सकता है? जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात है, हम और थोड़ा सा जानना चाहते हैं क्या कर सकते हैं कि इस देश में इतनी गरीबी, आप उसका कारण बता रहे हैं, रक्त की कमी है लड़कियों में और बुढ़ापा है, गरीबी है और कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, ये लोग ज्यादा इसके शिकार हो जाते हैं। अभी जो सरकारें कदम उठा रही हैं कि आप दोपहर के वक्त मजदूरी करने के लिए बाहर ना जाएं, ये उतना मुमकिन होता नहीं है क्योंकि जो रोज का कमाने वाला है तो किसी भी वक्त काम करेगा ही। आप सही कह रहे हैं रवीश जी, और यही मुश्किलें हैं हम लोगों के यहाँ, बट प्रोग्रेस भी हो रही है कि न्यूट्रिशन रेट्स इंप्रूव कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी इंप्रूव कर रहा है, बट कुछ बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी चीजें बड़ी असरदार होती हैं। यानी कि सिर्फ इस बात की पता हो, समझ हो कि गर्मी में जान को खतरा हो सकता है, सिर्फ इतना सा पता हो तो यही अपने आप में प्रोटेक्टिव है। हमने सर्वे किया था अहमदाबाद में, हम डॉक्टर मावलंकर के साथ में ही हम लोगों ने काम किया पहले, तो अहमदाबाद में सर्वे हम लोगों ने किया, हमने पाया कि स्लम कम्युनिटीज में अगर लोगों को पता हो कि हीट वेव से जान को खतरा हो सकता है तो उससे ही उनकी हीट रिलेटेड इलनेसेस के होने का चांस कम हो जाता है। सिमिलरली अगर अलर्ट टेम्परेचर अलर्ट समय पे हमको मालूम हो जाए तो इन चीजों का असर है। कुछ भी छोटा सा हल्का सा कपड़ा बांध देना, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, पानी पी लेना, पैर सर भी बताएंगे कि पैरों को ठंडे रखना, अगर नहा सकते हैं, पानी की सप्लाई घर में है, तो ये सारी छोटी 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 चीजें, ठंडा खाना खाना, छाछ पीना, ये सब अपने आप में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इनका असर होता है। और साथ साथ अस्पतालों में अगर तैयारी रहे, आइस पैक्स हो, बर्फ की वो रहे, एयर कंडीशनिंग रहे, तो इनसे अगर किसी मरीज को
कोई हीट धूप लग भी रही है तो फौरन उनको अगर ठंडा किया जा सके किसी तरह से तो उनकी जान बचाई जा सकती जी है। विदेशों में इस तरह की, यहाँ अमेरिका में एयर कंडीशनिंग की वजह से अब डेथ्स नहीं होती हैं, बट हमारे भारत में अभी बिजली के कनेक्शंस और एसी का इतना यूज नहीं है, तो हमको इन्हीं सब चीजों से अपनी बचत करनी होगी। घर के डिजाइन, कपड़े जिस तरह के हम पहन रहे हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ इसमें असर है, करना पड़ेगा। इस हाँ, चीज को और एसी गहराई तो से दूर ही समझने रहे के उससे लिए। तो ज्यादा अच्छा है। मावलंकर साहब, हम थोड़ा एक और चीज जानना चाहते हैं, टीवी वाले हैं, हम लोग भी तापमान खूब दिखाते हैं कि फला शहर का तापमान 44 डिग्री हो गया और 45 डिग्री हो गया, और सच बताऊं तो इनको देखते देखते हम इन तापमान के प्रति सामान्य होते जा रहे हैं। हम बताते भी हैं कि ये सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है तो ये लू है या हीट वेव है। लोग भी थोड़ा और सामान्य हो जाते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन निकलने लगते हैं। क्या किया जाए या हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हमारे जरिए जिन लोगों तक सूचना पहुंचे, लगे कि हाँ, मतलब इससे अगर कुछ फायदा हो सके तो अच्छा ही है। आई थिंक बहुत सामान्य उपाय है। एक तो बिन जरूरी, जब जरूर नहीं है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए 11 बजे से 4 बजे तक, जब ही लू की वार्निंग है, येलो ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट है। अगर निकलना ही पड़े तो हम पानी साथ में लेके जाए या पानी, भरपेट पानी पी के निकले, बिकॉज जैसे जैसे पसीना बहता है तो शरीर ठंडा होता जाता है। अगर पानी नहीं है तो नजदीक में कहां से पानी मिलेगा वो तय करके पानी पीते रहें, रास्ते में काम करते। ऐसे जरूरी नहीं है कि काम भी नहीं करना है, काम भी कर सकते हैं, बट 1 घंटा काम करने के बाद 10-15 मिनट आराम कर ले, शरीर को थोड़ा ठंडा करें, ठंडा पानी पिए, मुंह के ऊपर पानी फेरे। सर के ऊपर कई एरिया ऐसे हैं, नागपुर के पास उधर एक ट्रेडिशन भी है कि सर के ऊपर ठंडा रूमाल रख के ही लोग बाहर गर्मी में निकलते हैं। अगर हो सके तो छतरी लेके निकले सो डायरेक्ट धूप नहीं लगे। बीच बीच में पेड़ की छाए में भी हमने मापन किया है कि धूप में खड़े रहने से, पेड़ की छाए में खड़े रहने से करीबन 3 से 5 डिग्री का टेम्परेचर में फर्क आता है। एक लास्ट आपको बता दूं कि अगर आप धूप में हैं और चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा लग रहा है या आपको बेभान आदमी हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये लू की अगर उसके ट्रीटमेंट तुरंत हो तो आदमी जरूर बच सकता है, बट देरी होने से उसको परमानेंट, उसके मस्तिष्क ठीक। पे परमानेंट डैमेज मावलंकर या तो साहब, डेथ जब भी हो सकती आपने ये अहमदाबाद मॉडल बनाया, एक तरह से सूचना के जरिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश की आपने, तो ये देश के दूसरे राज्यों में या दूसरी नगर पालिकाओं में इसे अपनाया गया या उन तक इसकी खबर नहीं है? ये सही नहीं है। अभी काफी देश में भी उसकी खबर पहुंच रही है और आपके माध्यम से और पहुंचेगी। तेलंगाना राज्य ने, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी हीट एक्शन प्लान, क्योंकि आपको पता होगा तेलंगाना में हीट बहुत होती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वैसे ओडिशा में 1998 में काफी मृत्यु हुई थी। ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसके प्लानिंग करती है पूरे ओडिशा के लिए, और ये साल से तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी उसकी गाइडलाइंस बना के इशू कर रहे हैं पूरे देश के लिए, और उन्होंने टीवी के माध्यम से, टीवी कमर्शियल के माध्यम से भी ऑलरेडी चालू किया है लोगों को आगाह करने का, और ये मई के सीजन में और भी होगा। महाराष्ट्र में भी नागपुर के आसपास 7 शहरों में ये हीट एक्शन प्लानिंग पिछले 2016 से महाराष्ट्र सरकार ने चालू की हुई है, और ये साल कल ही मीटिंग है महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में ये लागू करने के डिस्कशन के लिए। सो बहुत इसका बहुत जानकारी शुक्रिया पहुंच आप रही है, बट जी। जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच रही जी, है अभी। लेकिन फिर भी ये राहत की बात है कि हम जो लू की खबरों को सामान्य रूप से देखते हैं, आप लोग नहीं देखते। एक छोटी सी घटना के पीछे की तफ्तीश ने इस अहमदाबाद मॉडल को जन्म दिया कि, और पता चला कि एक दिन में या एक हफ्ते में 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी 2010 के साल में। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक रास्ता निकाला कि सूचना संवाद के जरिए लू से होने वाली मौत की संख्या को काबू किया जा सकता है, संख्या घटाई जा सकती है थोड़ी एहतियात बरतने के साथ साथ। हम लेंगे एक ब्रेक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद करेंगे प्रेस की आज़ादी की।
कभी आपने सोचा है कि समाचार जानने या न्यूज़ की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए आप महीने का कितना खर्च करते हैं, अखबार का बिल, टीवी का बिल और डेटा इंटरनेट का? जाहिर है आपको भारतीय प्रेस पर यकीन होगा, तभी महीने का 500 से लेकर 1000 रुपये तक आप खर्च करते होंगे। आप शायद ये समझते होंगे कि भारत में आज़ादी से पत्रकारिता हो रही है, निडर पत्रकारिता हो रही है, लेकिन हर साल जब भी प्रेस की आज़ादी की रिपोर्ट जारी होती है तो भारत की पत्रकारिता का प्रदर्शन खराब मिलता है। अफ्रीका का एक देश है चाड, हम प्रेस की आज़ादी के मामले में उससे भी पीछे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2017 के लिए विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक इंडेक्स जारी किया है। 180 देश आते हैं इसमें, इसमें भारत का स्थान सम्मानित रूप से 136वें नंबर पर है। ये देखिए, हम बहादुर लोगों की पत्रकारिता का क्या की आज़ादी का रैंकिंग देखिए कितना अच्छा है, 136वें नंबर पर है हम 180 देश में। पाकिस्तान इस बात से संतोष है कि हमसे भी पीछे 139वें नंबर पर है। पेरिस में मुख्यालय है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, ये एक एनजीओ है और ये संगठन प्रेस की आज़ादी का रिकॉर्ड रखता है, देखता है कि किस तरह से सरकारें पत्रकारों पर सेंसर लगाती हैं, पत्रकारों पर हमले होते हैं, इन सब का आंकड़ों का जुटान करता है। आप जानना चाहेंगे कि दुनिया का कौन सा देश है जो प्रेस की आज़ादी के मामले में पहले नंबर पर है? नॉर्वे है पहले नंबर पर, स्वीडन है दूसरे नंबर पर, फिनलैंड है तीसरे नंबर पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। किसी भी नेता का भाषण देखिए इसी से शुरू करेगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन इस महान लोकतंत्र के प्रेस की आज़ादी की हालत आप देख रहे हैं, 136वें नंबर पर हैं, नॉर्वे पहले नंबर पर है, यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात हमसे बेहतर है, 119वें नंबर पर है। लेकिन खुशी की बात यह है कि चीन हमसे भी नीचे है, 179वें नंबर पर, 180 देशों में नीचे से वो दूसरे नंबर पर है। भारत में मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हो रहा है, नए नए चैनल आ रहे हैं, नए नए अखबार हैं, बहुत सारे चैनल हो गए हैं, मगर आज़ादी तटस्थता के मामले में उसकी रैंकिंग लगातार नीचे गिरती जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि सरकारी अधिकारी, राजनीतिक पार्टियां और पार्टी कार्यकर्ता परेशान करते हैं, धमकी देते हैं या फिर पत्रकार पर हमला तक कर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से बात नहीं रखी जा रही है। इस वजह से समाचार संस्थाओं में सेल्फ सेंसरशिप बढ़ रही है। लोगों के डर से पत्रकार अब वो बात नहीं कह रहे, सरकारों के डर से संपादक वो बात अब नहीं लिख रहे हैं। भारत में भी मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर वैसे खूब बहस हो रही है, इस मामले में हम उनसे आगे ही होंगे। भारत में कई ऐसे वेबसाइट हैं, अखबार भी लगातार प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कॉलम लिख रहे हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं, लोग भाषण भी दे रहे हैं। हाल ही में मशहूर पत्रिका है टाइम्स ने एक और अपने संपादकीय में ध्यान दिलाया है कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रेस की स्वतंत्रता कम होती जा रही है। अमेरिका में दो स्थान, अमेरिका नीचे गिरकर 43 पर पहुंचा है, ब्रिटेन भी दो स्थान नीचे गिरकर 40 पर पहुंचा है, लेकिन प्रेस पर आपका खर्चा 200 रुपया बढ़ ही गया है। तो ये देखना है कि जिस पर आप विश्वास करते हैं वो विश्वास करने लायक है या नहीं है, या कहीं ये वजह तो नहीं कि आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, ये आप बेहतर जानते होंगे। वैसे ट्रंप के आने के बाद मीडिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम भी हो गया है जिसमें ट्रंप के समर्थक दिन रात शामिल हैं एंटी मीडिया कैंपेन करने में। जो भी सरकार पे सवाल करता है उनके खिलाफ अभियान बनाकर गिरोह की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, गालियां दी जाती हैं। इसी तरह से भारत में भी होता है, कितनी बार जिक्र करें। दक्षिण अफ्रीका में प्रेस की हालत भारत और अमेरिका ब्रिटेन से बेहतर है। सोशल मीडिया के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए झूठी खबरों पर लोगों का यकीन बढ़ रहा है। आपके देश में भी राजनीतिक दलों के ने व्हाट्सएप के जरिए प्रोपेगेंडा का प्रचार विस्तार करना शुरू कर दिया है। असली न्यूज में असल नहीं है, अब फेक न्यूज इतना असल हो गया है कि रोज सुबह व्हाट्सएप पे देखते देखते आपको लगता है कि यही असली खबर है। इन तरह के झूठी खबरों से लड़ने के लिए भी कई वेबसाइट, कुछ वेबसाइट हैं ऑल्ट न्यूज वगैरह, वो वजूद में आ गई हैं। आपके फोन पर जवाहरलाल नेहरू को लेकर कई तरह की अफवाहें मिलती हैं, उनके खानदान को लेकर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर भी कई तरह की झूठी खबरें मिलती हैं, आप सही मानने लगते हैं। JNU स्टूडेंट्स यूनियन ने गुरुवार को दो वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में। छात्रों के मुताबिक इन दोनों वेबसाइट ने सुकमा नक्सली हमले के बाद JNU छात्रों एक ऐसी तस्वीर छापी कि JNU छात्रों ने खुशी जाहिर की हमले के बाद और जश्न मनाया। छात्रों के मुताबिक जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है वो 2013 और 2015 के JNU छात्र संघ चुनाव के बाद की है। जब चुनाव के नतीजे आए होंगे तो लोग झूम रहे होंगे, लेकिन उन तस्वीरों को लगाकर ये खबर पेश की गई कि ये जश्न मना रहे हैं। तो खबर के तौर पर देख के आप कहते हैं यार JNU कितना गंदा जगह है, ये देखो यार, या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक तस्वीर 2016 में कन्हैया कुमार को मिली जमानत के बाद की है, जब वो उसमें वो लोग खुशी मना रहे होंगे तो वो लगा दिया गया कि इनका सुकमा हमले के जश्न से संबंध है, जबकि ऐसा नहीं है।
कोई जश्न नहीं मना, मगर इस तरह की वेबसाइट से होते हुए आपके फोन पर अफवाहें खबरें के रूप में पहुंच जाती हैं और आप चौक चौराहे पर पहुंचकर जेएनयू के गरियाने के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल हो जाते हैं कि यहाँ के छात्र कैसे कैसे हैं, नक्सली हमले के समर्थन में जश्न मना रहे हैं। इससे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट मोहित कुमार पांडे के मुताबिक कोई वेबसाइट है www.srishtanews.com और www.dainikbharat.com, ये गलत खबर फैला रहे हैं। इनके खिलाफ शिकायत की है कि सुकमा नक्सल हमले पर जेएनयू के छात्र जश्न मना रहे हैं। बेहतर होता कि इनका भी पक्ष होता, लेकिन इनका पक्ष हमारे पास नहीं है। तो हमारा देश काफी गर्म एरिया में है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है उस हीट से, गर्मी से, कमजोरी से। तो हमारे यहाँ हमें शक है और हमें डर है कि जो डेथ्स हैं वो काफी ज्यादा होंगी। इस चीज को जांचने के लिए हमने अहमदाबाद में डेथ सर्टिफिकेट्स काउंट किए थे। 2010 में हीट वेव आई थी, 22 मई 2010 में, तब हमने डेथ सर्टिफिकेट्स काउंट किए थे। तो जो अखबार में रिपोर्ट्स आ रही थी 50 और 100 डेथ्स की, तो जो हमने काउंट किया था तो हमने पाया था कि ये एक्सेस 1346 एक्सेस डेथ्स उसी पीरियड में हुई थी। मतलब और उसकी वजह अहमदाबाद में लोग मरे थे उस साल, आप ये कह रहे हैं? ये 2010 की हीट वेव की बात है। मीडिया में छप रहा था कि 50 या 60 लोग मरे हैं जी, बिकॉज जिस तरह से हीट की डेथ हम रिकॉर्ड करते हैं, जो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ होता है सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, वो काफी कम होता है। जो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ जो डेथ सर्टिफिकेट पे आता है वो नॉर्मल डेथ होती है, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट या रीनल फेलियर। तो इस वजह से जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो डेथ्स मेजर करते हैं वो हमेशा एक्सेस डेथ्स देखते हैं। तो उस तरीके से आप देखें तो काफी ज्यादा डेथ्स होती हैं। ये एयर पोल्यूशन डेथ्स के जैसा होता है, जैसे एयर पोल्यूशन की डेथ्स होती हैं तो कॉज ऑफ डेथ डेथ सर्टिफिकेट पे नॉर्मल डेथ्स आता है, जबकि एयर पोल्यूशन इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ नहीं होता। इवन दो गुलेश साहब, आपने उस साल अहमदाबाद के कितने डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र को देखा होगा ये जांचने के लिए कि इनमें से हीट वेव या लू से मरने वालों की संख्या कितनी है? तो ये डेटा जो वहां के वाइटल स्टैटिस्टिक्स की डेटा है, तो उसको देख के ये अंदाजा होगा कि वो पिछले सालों के मुकाबले उस हीट वेव पीरियड में एक्सेस डेथ्स हुई थी। और ये हम लोग पाते हैं सब जगह जहां कहीं हीट वेव्स होती हैं, बिकॉज हीट वेव की डेथ्स विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है, कंपेयर टू सुनामी या अर्थक्वेक की वो डेथ्स सामने दिखते हैं लोग आपको। हीट वेव से जो लोग मरते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश में सबसे ज्यादा लोग हीट वेव से मरते हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर नेचुरल कॉजेज कंबाइंड, लेकिन ये डेथ चूंकि विजिबल नहीं, घर में बुढ़े गरीब आदमी सड़क पे बीमार लोग वो अपने घर में उनकी डेथ हो जाती है। और जो कॉज ऑफ डेथ अगेन वो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट या नॉर्मल डेथ्स होती है। तो जब आप पीछे जाके स्टेटिस्टिक्स या डेटा देखें, नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस हफ्ते देश के कई हिस्से में तापमान नियंत्रण में है, मगर हम और आप हर साल लगातार बढ़ते तापमान के प्रति सामान्य होते जा रहे हैं। देश के दूर दराज के इलाके से लू के कारण होने वाली मौत और आगजनी की घटनाओं से हमें अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंकड़ों को देखिए तो पिछले साल लू के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राजनीति में तो वैसे ही हर वक्त लू चलती रहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर जब गुलरेज शाह अजहर का लू पर लेख दिखा तो लगा कि इस पर बात करने में कोई नुकसान नहीं है। यही सोच रहा था कि लू से मरने वाले भारतीय भाषाओं के ज्यादा लोग होंगे, मगर अंग्रेजी में किन किन पहलुओं को लेकर शोध हो रहे हैं, हिंदी में कुछ सुनाई ही नहीं देता। कई बार लगता है कि पूरा हिंदी प्रदेश मूल काम छोड़कर गप हांकने में लगा है, जिसमें आज का मीडिया जितना गप्पी तो कोई भी नहीं। भारत ही नहीं, दुनिया लू से परेशान है। अभी तक 17 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किए गए हैं, इनमें से 16 सबसे गर्म साल सन 2000 बाद के हैं, यानी 2000 के बाद से लेकर 2017 के बीच हर साल अब तक का सबसे गर्म साल होकर गुजरा है। 2003 में यूरोप में लू से 70,000 लोग मारे गए और 2010 में रूस में 56,000 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक मौत लू से होती है। मुझे तो इन आंकड़ों पर यकीन नहीं हुआ कि एक साल में 56,000 और 70,000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये आंकड़े हैं। भारत में जब हम सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाख से अधिक लोगों के मारे जाने से विचलित नहीं होते, तो 2015 में लू के कारण 2,330 लोगों की मौत की संख्या
किसी को भी सामान्य लग सकती है। 2016 में 1000 लोगों की मौत हो गई। गुलरेश शाह साहब ने लिखा है कि लू के दौरान होने वाली बहुत सी मौत को अन्य कारणों में डाल दिया जाता है, इसलिए सही आंकड़ों का पता नहीं। भारत में आप जब भी किसी विषय से संबंधित आंकड़ों के तो आप पाते हैं कि वो एक्चुअल डेथ्स नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू, बट वो इन द सेंस जिस तरह की वो डेथ्स हैं वो बहुत दिखती नहीं है, विजिबल डेथ्स नहीं है। ठीक है, मुझे भी दिलचस्पी हो रही है आपके इस बात को जानने में कि जब जो आप कह रहे हैं कि आप पीछे जाकर देखते थे तो किस तरह का डेटा, कहां से डेटा लेकर देखते थे, और हम पत्रकारों को या मीडिया को जो जिलाधिकारी बताते हैं या राज्य सरकारें बताती हैं कि 20 लोग मरे हैं या 4 लोग मरे हैं, एजेंसी की खबरें से आती हैं, तो इसके बारे में भी कुछ गड़बड़ियां आपको नजर आई हैं क्या? कि तब तो हो सकता है कि जब हम हीट वेव से होने वाली मौत को रिपोर्ट करते हैं तो हमें वो तरीका और सलीका ही नहीं मालूम है कि सही संख्या कैसे रिपोर्ट की जाए। नहीं देखिए, इसमें जो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ्स हैं और जो इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ्स हैं ये अलग अलग हैं। तो हम जो आपसे बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ्स हैं। फर्स्ट कीजिए, कोई इंसान एल्डरली है, बीमार है या सिक है और हीट वेव हो जाती है, तो उसके बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उस एडिशनल जो स्ट्रेस उसको मिल रहा है गर्मी का, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो इस पीरियड में मतलब डेथ हो सकती है व्यक्ति की। बट जो कॉज ऑफ डेथ होगा वो बजाय हीट वेव या सनस्ट्रोक के वो नॉर्मली नॉर्मल डेथ हो जाएगी, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह वाली डेथ। तो वो हीट वेव्स में ज्यादातर लोग जो मरते हैं वो इनडायरेक्ट डेथ्स की वजह से उनकी डेथ होती है। तो ये और जो हम लोग जो रिपोर्ट करते हैं जो इमीडिएट जो है, यानी कि सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ये डेथ सर्टिफिकेट भी इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ लिख के आता है हीट वेव्स पे, तो ये एक रहता है हीट वेव डेथ्स को एनालाइज करने में बिटवीन अलग अलग जगह। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक उदाहरण लें, हर जगह का जनरलाइज नहीं कर सकते, तो ये मरने वालों की संख्या जो 100 या 1000 बताई जाती है उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो फिर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो सरकार की रिपोर्ट है कि वहाँ 4000 से ज्यादा लोग एक साल हीट वेव से मरे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ ठीक से रिपोर्टिंग हुई होगी इनके कारणों की या मरने वालों की गिनती ठीक से हुई होगी? और यही डेटा के ऊपर है कि अगर पिछले सालों की डेथ की डेटा और जो टेम्परेचर और तापमान की डेटा है, और तापमान ही नहीं साथ में ह्यूमिडिटी या नमी जो होती है ये और उस गर्मी को मैक्सिमम। दिन बुलंगीर जिले का ये इलाका तितलागढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थल बन गया। कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा। राज्य में अभी तक लू से मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। 25 अप्रैल को राज्य में 17 जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं, मसलन 11:30 बजे के बाद से मजदूरों को धूप में काम नहीं करना है, 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक दोपहर दिन के वक्त बसें नहीं चलेंगी। अहमदाबाद मॉडल क्या है इस पर हम बात करेंगे। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, इसके निदेशक दिलीप मावलंकर हमारे साथ होंगे। हम इस संस्था की भूमिका के बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे गुलरेज शाह अजहर के काम के बारे में भी बात करेंगे। गुलरेज लॉस एंजलिस से हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगे, और आप पार्डी राइंड ग्रेजुएट स्कूल में असिस्टेंट पॉलिसी रिसर्चर हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज। हम आपसे पहला ये जानना चाहते हैं कि आपका ही लेख पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आया कि इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जब भी लू चलती है या तापमान बहुत ज़्यादा होता है, खासकर हम और अब तो सब चैनलों पर मौसम समाचार है, हम तो विशेष रूप से उसको कवर करते हैं, फिर भी पढ़ के लगा कि हमारे कवर करने के तरीके में शायद कुछ कमी जरूर होगी, तो आपसे बात करनी चाहिए। क्या आपको अब तक तो लू से मरने वाली खबरों को हम सामान्य रूप से ही लेते रहे कि 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, इससे ज्यादा बढ़कर हमने देखा नहीं, आप क्या ज्यादा बता सकते हैं अपने रिसर्च जो आपने की है वो क्या है, क्यों की है रिसर्च, ताकि दर्शकों को भी बात करने के लिए कुछ नया मुद्दा मिले? धन्यवाद रविश जी मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे। लू से हम लोग इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं वो काफी कम है कंपेयर टू जो बड़े विदेशों में मामला चल रहा है, जैसे फ्रांस में जो हीट वेव आई थी, जबकि अच्छा खासा ठंडा देश है वो, वहां पे उसमें यूरोप में पूरे 70,000 लोग मरे थे, 2003 की बात है। 2010 में रशिया में, जहां आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि बर्फ पड़ती है, वहां पे 56,000 लोग मरे थे, तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और जैसे हम लोग इंडिया को देख बारे में पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़ेंगे कि ये सही आंकड़े नहीं हैं या और भी सही हो सकते थे। भू विज्ञान मंत्रालय, जिसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मंत्री हैं। पीटीआई ने इसके हवाले से
23 अप्रैल को एक रिपोर्ट छापी कि भारत में पिछले 4 साल में लू से 4,620 लोगों की मौत हुई है। कितनी बड़ी संख्या है ये। इनमें से 4,246 लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं। सोचिए इन दो राज्यों में कितने लोगों की मौत हो जाती है। जब तापमान सामान्य से 4 या 5 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे हम हीट वेव या हिंदी में लू कहते हैं। अगर 6 डिग्री तक अधिक हो तो इसे अंग्रेजी में सीवियर हीट वेव या हिंदी में भयंकर लू कह सकते हैं। पिछले साल महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई गई जिससे लू से मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी भी आई। इस संदर्भ में अहमदाबाद मॉडल का जिक्र होता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मार्च के कुछ शहरों के तापमान पर नजर डालें तो महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा, फिलहाल 40 डिग्री है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर और चूरू में 43 डिग्री के पार चला गया, अभी वहां 36 डिग्री है। राजस्थान में तापमान 44.4 डिग्री तक गया और मार्च में 1946 का रिकॉर्ड टूट गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गुजरात का भी यही हाल रहा। लू से बचने में सरकार और मीडिया की भी भूमिका है। वैसे लू से बचने के उपाय तो छपते ही रहते हैं अखबारों में, फिर भी यह कारगर नहीं है। अब तो सरकारें मौसमों को लेकर संवेदनशील होने लगी हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो स्कूल तुरंत बंद भी कर दिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में गुलरेज ने लिखा है कि भारत में आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, आधे से ज्यादा लड़कियों में खून की कमी है, 58% जनसंख्या 200 रुपए से भी कम कमाती है, 53% घरों में पीने का पानी नहीं है, आधे लोगों के पास टॉयलेट नहीं है और सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जहां 24 घंटे पानी की सप्लाई होती है। 25 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया में ही मिनिती सिंगा ने उड़ीसा पर एक रिपोर्ट लगाई है। 25 को ही तितलागढ़ में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।